तश्री श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 मुरे राम राम राम। मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे, कैसे हैं वो? पिताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। भ्राताश्री, आपने अयोध्या छोड़ी एवं पिताश्री ने संसार छोड़ दिया। वो भरत की भांति पाषाण हृदय नहीं थे ना भ्राताश्री, जो राम को विदा करने के पश्चात भी जीवित रहते। वियोग ने मेरे पिता के प्राण ले लिए। नहीं भ्राताश्री, नहीं, पिताश्री का निधन आपके वियोग के कारण नहीं हुआ है, उनकी मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं आपका अयोध्या छोड़ना, पिताश्री का संसार छोड़ना, ये सब मेरे कारण हुआ है, सब मेरे कारण हुआ है। विश्वास कीजिए भ्राताश्री, यदि आपके दर्शन की इच्छा नहीं होती तो मैं आपको अपना ये पापी मुख कदापि नहीं दिखाता, कदापि नहीं दिखाता। अनुज, समय का चक्कर कोई नहीं थाम सकता, नियति पर किसी का वश नहीं चलता, होने पर किसी का अंकुश नहीं हो सकता। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये तो केवल विधि के हाथ में है। जो होना था वो तो होना ही था, जो होने जा रहा है वो भी होकर ही रहेगा। तुम स्वयं को दोष मत दो भरत, स्वयं को दोष मत दो। प्रातःश्री, स्वयं को दोष मत दो। हे ब्रह्मदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रजापति, धरती पर जिस प्रकार राम भरत मिलाप हो रहा है उससे देवताओं में भय और असंतोष की लहर दौड़ गई है। देवता धरती पर मानवों के मिलाप से भयभीत हो जाएं, क्या यह अद्भुत नहीं है? हे देवराज, यह मिलाप तो पारिवारिक संबंधों की चरम सीमा दिखा रहा है, बता रहा है कि परिवार के सदस्यों में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी एकता होनी चाहिए। आज धरती पर राम और भरत के मिलाप ने जो दृश्य दिखाया है, मानव जाति उसे युगों युगों तक अपने हृदय से लगा के रखेगी। हमारे भय का कारण यह है कि यदि इस मिलाप के पश्चात भरत ने राम को अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लिया तो क्या होगा?
देवताओं और मानवों को समान रूप से आतंकित करने वाले अत्याचारी रावण का क्या होगा? प्रजापति उस क्रूर अत्याचारी का सर्वनाश कौन करेगा? इंद्रदेव, विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर जो निर्णय लिया है उसके कारणों को आप भूल रहे हैं। रावण के सर्वनाश से पहले राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरती वासियों को मानवता, सभ्यता, धर्म पालन एवं संस्कृति रक्षा की परिभाषाएं बतानी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम से यह अपेक्षा कि वह अपने मार्ग से डिग जाएंगे व्यर्थ है। देखिए धरती पर क्या हो रहा है। अपने इस पतित देवर को क्षमा कर दीजिए भाभी श्री। आप जैसा देवर तो केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके भाग्य पर संसार गर्व करे। आप क्षमा के नहीं गर्व के पात्र हैं। आप जैसा देवर पाकर मैं धन्य हो गई। अनुज, तुम मेरे गले नहीं लगोगे? दादाश्री, मैं आपको किस मुंह से गले लगाऊं? मैं आपका अपराधी हूं। आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं ना, किंतु क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं अनुज, मन करता है कि मैं उस मन के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिसमें आप जैसे भाई के प्रति संदेह जागा है। नहीं अनुज। भ्राताश्री, सूर्य दीप लेकर भी ढूंढूंगा ना, तब भी आप जैसा भ्राता इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं अनुज, नहीं भ्राताश्री। अनुज, दादाश्री, अनुज, अनुज, तुम गले लग गए, सारे क्लेश दूर हो गए। शिष्य राम। गुरुदेव, गुरुदेव। आयुष्मान भाव, तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं शिष्य। मेरी माताएं आई हैं? माता कैके भी? माता राम के हृदय में बसती है, रमती है, वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? गोद में सिर रखकर
जीवन का भेद जाना। उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौसल्या का। नहीं पुत्र, नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया मैं उनकी योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को पोंछ कर उसमें राख भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं, मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता आप तो वो सुंदर वृक्ष हैं जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। क्या कही? अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र। माता। पुत्र राम। माता। मेरे लाल। माता। मेरे राम। माता। मेरे लाल। माता। मेरा पुत्र। पुत्र मेरे लाल। मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूं, तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता। राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। माता सुमित्रा। पुत्र राम। आयुष्मान भव। सौभाग्य होती भव पुत्री। नहीं पुत्री, नहीं। पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं। मातेश्री, मैं आर्य पुत्र के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहला स्थान था अब
अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भाव, आयुष्मान भाव, पुत्र भरत, पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा ना कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राताश्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्राताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलो? और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है, मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा। और शेषा था जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता। नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भरत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता। इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है। तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री, इस भरत को अपनी अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी।
और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत भ्राताश्री, देखिए दीदी, इस क्षण को देखिए। ये क्षण नहीं, इतिहास है। धरती पर जिन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस दृश्य को देखा है वो पुकार उठे कि ईश्वर ने उन्हें नेत्र इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस दृश्य की कथा सुनाएगी। राम भरत मिलाप मानव संस्कृति का आदर्श बनेगा। सत्य कहा देवाधिदेव, मैं भी यह दृश्य देखकर अपने अश्रु न रोक सकी। कितने महान हैं कैकेयी नंदन, जिन्हें ना तो राज का प्रलोभन है ना सत्ता की इच्छा। उनके लिए उनका भाई ही उनके जीवन का आधार है। धन्य है वो भाई जो भ्रातृ प्रेम के लिए सत्ता को पाकर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भ्रातृ प्रेम का चरम बिंदु तो देखिए, भरत कितनी धूमधाम से राम की चरण पादुकाओं का राज्य अभिषेक कर रहे हैं। समस्त अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। स्वस्ति न इंद्रो वृत्तश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटी समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। ॐ श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिः अस्तु, कल्याणमस्तु। अनुज, आज से अयोध्या की व्यवस्था के तुम उत्तरदायी रहोगे। मुझे आपका सहायक बनने में अपार हर्ष होगा भ्राताश्री। सहायक नहीं अनुज, तुम संपूर्ण उत्तरदायी बनकर रहोगे। और आप? अनुज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पास के नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा और उस समय तक रहूंगा जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हो जाता। राज्यसभा स्थगित करने की घोषणा की जाती है।
प्रणाम महारानी, धाइमा आपके दर्शन करना चाहती हैं। मेरे दर्शन? जाकर पूछो उससे कि कैकई के सर्वनाश में क्या और कुछ शेष रह गया है। आज उसी के कारण पुत्र राम, पुत्र वधु सीता, पुत्र लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। उसी के कारण मैंने अपने सौभाग्य में आग लगा दी। आज उसी के कारण मैं इस वैधव्य की अग्नि में जल रही हूं। मैं नहीं जानती यदि वो मेरे समक्ष आई तो मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूंगी। जाओ कह दो उससे कि चली जाए यहां से और फिर अपना मुख मुझे कभी ना दिखाए। मैं जानती हूं तू क्यों आई है तो अपनी दीदी सीता की बहन ही ना। तू भरत के साथ नंदीग्राम जाने की अनुमति लेने आई है मुझसे। हाँ माताश्री, मैं इसी क्षण से भयभीत थी। मैं जानती थी कि ये क्षण आने ही वाला है और आता भी क्यों ना। जो पाप करता है उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मैंने कौशल्या दीदी से उनके पुत्र और पुत्रवधु को दूर कर दिया। अब ईश्वर मेरे पुत्र और पुत्रवधु को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैंने जो बोया वही काट रही हूं। पाप करने से पहले ये सब भूल जाते हैं कि उन्हें उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है जो मैं अब भोग रही हूं। मैं जानती हूं माताश्री, आप मेरे जाने के कारण से बहुत दुखी हैं, किंतु दुख, कष्ट, पश्चाताप, प्रायश्चित, अब तो ये मेरे जीवन के अंश बनकर रह गए हैं। मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकती, मैं तो अधिकार भी खो चुकी हूं, बहुत कर भी खो चुकी हूं। जाओ पुत्री, पातिव्रत धर्म और जनकपुरी की परंपरा का निर्वाह करो। जाओ जाओ जाओ। मैं शून्य और शून्य को जोड़कर एक बनाने चली थी, किंतु उत्तर शून्य का शून्य रहा। जिन्हें मैंने तोड़ना चाहा वो जुड़ गए। कदाचित कदाचित मैं समय से पूर्व आ गई, किंतु मेरा समय अब
अवश्य आएगा, मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा। स्त्रियां तब मेरा सम्मान करेंगी, तब आज की भांति एक परिवार नहीं होगा, जितने भाई होंगे उतने परिवार होंगे। आज मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। हे काल, अब तेरा कार्य है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। बड़ी मां, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। माता, अब हमें विदा कीजिए। मैं तुम्हें कैसे विदा करूं पुत्र? मेरा पुत्र राम आंखों से दूर हो गया, तो मैं सोचती थी तुम्हें देखकर जी लूंगी, परंतु तुमने भी हमसे दूर जाने का निश्चय कर लिया। नहीं माता, नहीं, नंदीग्राम कोई अधिक दूर तो नहीं है। आपका जब जी चाहे हमसे मिलने आ जाइएगा। किंतु माता, हमारे भ्राताश्री तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनसे मिलने में कल्पना के पांव भी थक जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए बड़ी मां। देखिए देवी, दूर किसी ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। चलिए आज रात का पड़ाव वहीं डालते हैं। मार्ग में मुझे एक संत ने बताया था कि आगे कहीं ऋषि अत्री का आश्रम है। भ्राताश्री, लगता है ये आश्रम वही है। यदि ये ऋषि अत्री का आश्रम है, तब तो यहाँ पर महासती माता अनुसुईया भी अवश्य होंगी। मुझे मेरे गुरुदेव शतानंद ने बताया था कि माता अनुसुईया ऋषि अत्री के आश्रम में रहती हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि माता अनुसुईया सभी नारियों में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन से तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। आइए देवी। ऋषिवर, ऋषिवर, धन्य भाग हमारे, कोई अतिथि परिवार हमारे आश्रम की ओर आ रहा है और उन अतिथियों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होने वाला है। अनुमति हो तो हम जाकर उनका स्वागत करें और उन्हें लिवा लाएं। नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दो। तुम लोग संध्या वंदन की सामग्री तैयार करो। सो
सूर्यास्त के समय भी माथे पर इतना तेज लेकर जो महात्मा अपनी ओर आ रहे हैं वो अवश्य ऋषि अत्रि ही होंगे। ऋषिवर, दशरथ पुत्र राम का, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण का सादर प्रणाम। यशस्वी भव। आज मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आप जैसे अतिथिगण आज इस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे राम, ऋषि की आपसे एक विनती है, आप आज रात्रि इसी आश्रम में विश्राम करें। माता अनुसुईया कहां पे है? देवी, उन्होंने ही आपके आगमन की सूचना दी थी। आइए। हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे अतिथि कोई और नहीं, कौशल्यानंदन श्री राम, जनक नंदिनी देवी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं। श्री राम, पुत्री जानकी, पुत्र लक्ष्मण, स्वागत है आपका। नहीं कौशल्यानंदन, नहीं, अहल्या का उद्धार करने वाले श्री राम के चरण तो मुझे स्पर्श करनी चाहिए। क्यों माता, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों के चरण स्पर्श करना छोटों के लिए सौभाग्य का विषय होता है। बड़ा आयु से नहीं, कर्म से होता है। आप तो ऋषि समाज और आश्रम संस्कृति के रक्षक हैं, भला आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। अखंड सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। देवी, कोई जाने ना जाने किंतु मैं जानता हूं, श्री राम का वनवास ऋषि समाज के कल्याण का कारण बनेगा। शिष्यों जाओ, अतिथियों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आपको मेरे लिए सोने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता मैं एक रात्रि भी नहीं सोऊंगा। तुम धन्य हो सुमित्रा नंदन, तुम धन्य हो, ऐसा भाई केवल श्री राम का ही हो सकता है। चलो पुत्री। आओ श्री राम। आइए भ्राताश्री। पुत्रवधु, अपनी सासु माँ के समक्ष इस प्रकार श्रृंगारहीन, इतना आभूषण रहित रहना अच्छी बात नहीं है। आभूषण रहित कहा, ये पुष्प है ना, माना के पुष्प आभूषणों से कम नहीं होते। फिर जब ये सीता जैसी संसार की सुंदरतम नारी के शरीर का स्पर्श कर रहे हो तब ये पुष्प सोने चांदी के आभूषणों से भी मूल्यवान हो गए हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो आभूषण हैं वे मैं तुम्हें दे दूं। उनका अधिकारी तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम इस आसन पर बैठो, मैं अभी आई।
दिव्याभूषण, इन पर तो दृष्टि ठहरना बहुत कठिन है। ये तो बहुत मूल्यवान है। तुम इन्हें पहनोगी तो इनका मूल्य और भी बढ़ जाएगा। देवी, आप पातिव्रत धर्म की चरण सीमा है। कहते हैं पातिव्रत धर्म आपसे आगे जा ही नहीं सकता। मुझे बताइए पातिव्रत धर्म क्या होता है? जो स्वयं सिर से पांव तक पातिव्रत धर्म की मूर्ति है वो मुझसे पूछ रही है कि पातिव्रत धर्म क्या है। जो स्वयं पातिव्रत धर्म की संपूर्ण परिभाषा है वो मुझसे पातिव्रत धर्म की परिभाषा जानना चाहती है। देवी, पातिव्रत धर्म वही होता है तुम जिसका पालन कर रही हो। मैं तो केवल अपने स्वामी का साथ दे रही हूँ। पातिव्रत धर्म और क्या होता है? कहा जाता है कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा संकट के समय ही होती है। जो नारी संकट में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती वही पतिव्रता नारी होती है। क्योंकि यूं तो नारी के लिए पिता, भ्राता और पुत्र सभी हितकारी होते हैं, किंतु इन सब की सीमा निर्धारित है, कोई इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। देवी, केवल पति है जो हर सीमा पार कर सकता है। केवल पति है जो असीम सुख दे सकता है। तुम तो पातिव्रत धर्म का आदर्श हो और श्री राम अपार सुख के। महादेवी, श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ देवी। धन्य तुम्हारा रूप है, धन्य सते का प्यार, सीते तुझ में आ मिले प्यार और श्रृंगार। सुंदरता ने है गढ़ा तुझको अपने हाथ, आभूषण शोभित हुए पाकर तेरा साथ, पाकर तेरा